अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ की वजह से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की रेसिपी है यमी अंडे का हलवा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में इसको प्रिपेयर करूंगी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 अंडे, 1/3 कप देसी घी, 1 कप मिल्क, 1/4 कप पाउडर मिल्क, 1/2 कप पाउडर शुगर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर, 2 से 3 ड्रॉप्स रू केवड़ा के। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल में ऐड करेंगे अंडे। अब ऐड करेंगे इसमें मिल्क, पाउडर शुगर, ऑरेंज फूड कलर, इलायची पाउडर, पाउडर मिल्क। विस्क कर लेंगे अच्छे से इसको। देखिए अच्छे से विस्क कर लिया है मैंने इसको। ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है इसको हम पैन में ऐड कर देंगे। मुसलसल इसको स्टर करते रहेंगे जब तक ये थिक नहीं होना शुरू हो जाता। देखिए हमारा मिक्सचर थिक होना स्टार्ट हो गया है। अच्छे से इसको पकाएंगे ताकि जितना भी अंडों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। देखिए यहाँ पे हलवा हमारा दानेदार हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे घी और इसको अच्छे से भून लेंगे। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे पिस्ते, बादाम, केवड़ा एसेंस। कवर कर देंगे ताकि केवड़ा एसेंस की खुशबू हलवे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी का, यमी अंडे का हलवा तैयार है। अंबर को भी बुलाते हैं कि वो आए और आके टेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और सर्दियां आ गई हैं तो हमारे घर में यमी यमी डिशेस बन रही हैं और आज की डिश है यमी अंडे का हलवा। और शुमाइला ने इसको इतने बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर्ड किया है, दिखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है और चॉइस ऑफ डिश भी बहुत प्यारी है। ये ऐसा लगता है कि सिंधी अजरक, सिंधी कल्चर पेश कर रही हो। सो गाइज, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये अंडे का हलवा कैसा बना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें और वाओ, थोड़ी सी तबीयत नासाज है लेकिन हम हलवे को नहीं छोड़ सकते। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये वाओ, प्यारी सी कटोरी। सो हम इसको खाने वाले हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यकीन जानिए जब मैं ये खाती हूँ तो मैं इसको लिटरली फील करती हूँ, इसके एक एक जायके को, एक एक इंग्रेडिएंट को। इतना मज़ा आता है खाने में। इसमें जो अंडे हैं, इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मीठा इतना यमी है। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। डेफिनेटली इसके अंदर मिल्क भी होगा। सो वो सारी चीज़ें मिलके इतनी हेवनली बन गई है के खा के बहुत मजा आया। सो गाइस, जब ये रेसिपी आया तो आपने जरूर ट्राई करनी है बिकॉज इट्स अ वंडरफुल रेसिपी। सिंपल, इजी, कम इंग्रेडिएंट में मजेदार सी रेसिपी बन जाएगी, वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल प्रेजेंटेड। थैंक यू। आपको लग ही नहीं रहा कि आप अंडा खा रहे हैं, इसके अंदर अंडा कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। भाई बहुत मजेदार है और सर्दी में आप खाएंगे गरम गरम जैसे मैं खा रही हूँ इस वक्त, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।